सो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग आईपीयू काउंसलिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। कल अलॉटमेंट देखने को मिला फर्स्ट राउंड का, उसके बाद बहुत सारे बच्चे पैनिक हो गए एंड उनका रेगुलर हमारे पास मैसेज आए कि उनको ये मैसेज बस देखने को मिला है कि कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है। तो आगे क्या प्रोसेस रहने वाला है, क्या उनको सीट मिलेगी और स्पॉट राउंड तक अगर वो बच्चे जाते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी है उनको सीट मिलने की, स्पॉट राउंड का क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, फर्दर चीज़ें कैसे काम करने वाली है, क्या फ्रेश कैंडिडेट आईपीयू में रजिस्टर कर सकता है। तो सब कुछ के ऊपर यार डेडिकेटेड बात करने वाले हैं, सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और इस वीडियो के बाद मैं बता देता हूं कि आईपीयू से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट नहीं रहेगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप फ्रेश कैंडिडेट के ऊपर बात करते हैं कि अगर किसी बच्चे ने यार आईपीयू में रजिस्ट्रेशन ही नहीं की, ना उसने 1200 रुपये रजिस्ट्रेशन फी पे किया, ना उसने 1000 रुपये काउंसलिंग फी पे किया, तो क्या वो इलिजिबल रहने वाला है काउंसलिंग कराने के लिए आगे। सबसे इंपॉर्टेंट डाउट बहुत सारे लोगों ने पूछा कि उन्होंने मिस कर दिया आईपीयू को। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका होम स्टेट दिल्ली है वो खुद पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, तो क्या चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटी है, तो उसके ऊपर बात करेंगे। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रीजंस कोई भी अलॉटमेंट नहीं आने के। तो आप देख सकते हो गाइस, सबसे पहला अलॉटमेंट आईपीयू का आया है अभी तक, है ना। तो जोसा स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है, जोसा की काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई, सबसे इंपॉर्टेंट। जैक दिल्ली आपकी स्टार्ट नहीं हुई। तो यार मैक्सिमम बच्चों ने आईपीयू में पार्टिसिपेट किया एंड आईपीयू की सीट्स ब्लॉक कर दी, तो ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ ब्लॉकिंग वाला सिस्टम है। अब यार टॉपर्स आप मान के चलो कि बिलो 30,000 रैंकर्स पार्टिसिपेट कर रहे थे, है ना, तो मैक्सिमम टॉप 3 टॉप 4 कॉलेज की तो इन्होंने सीट्स बिल्कुल ब्लॉक कर दी, चाहे वो अदर स्टेट कैंडिडेट्स हो या होम स्टेट कैंडिडेट्स हो। कट ऑफ काफ़ी हाई रहा है फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट का, ठीक है। तो उस बेसिस पे इसलिए हुआ कि जोसा की काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई, काउंसलिंग पैरेलल में नहीं चल रही है, बच्चे मैक्सिमम पार्टिसिपेशन दिखाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें कोई ना कोई अलॉटमेंट चाहिए, एट द इन सब डरे होते हैं, तो पहला अलॉटमेंट उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, तो उसे ऐसा बैकअप की तरह वो देखते हैं, उसके ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे। अब वही इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पर बात करते हैं, तो यहाँ पे डिमोरलाइज होने वाली कोई बात नहीं है कि आपको फर्स्ट राउंड में कोई भी अलॉटमेंट देखने को नहीं मिला, चांसेस बहुत हाई हैं। स्पॉट राउंड के ऊपर भी बात करेंगे कि कितने चांसेस हाई हैं, डाटा दिखा दूंगा आपको तो चीज़ें आपको क्लियर भी होंगी। तो क्राइटेरिया के ऊपर हो गया, ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ठीक है, फ्रेश कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि नहीं सेकंड राउंड में, वो इंपॉर्टेंट है, एंड फ्रेश कैंडिडेट क्या स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो देखिए सेकंड राउंड में पार्टिसिपेशन के लिए मैं नहीं कहूंगा, ये अपडेट्स के ऊपर है, ठीक है, अभी तक के लिए कोई ऐसा अपडेट नहीं है कि सेकंड राउंड में आप अलाउड हो गए, बट हाँ स्पॉट राउंड में आप डेफिनेटली अलाउड हो गए। स्पॉट राउंड में फ्रेश कैंडिडेट्स अलाउड होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ ऑफिशियल नोटिस का मेरे पास होगा, है ना, तो लास्ट ईयर का ये है, तो आप देख सकते हो कि इसका पॉइंट यहाँ पे 6 पढ़ लेते हैं। तो जिन्होंने भी जेई मेंस पेपर दिया था 2021 में उनको अलाउ किया था, नाइदर हैव रजिस्टर अर्लियर नॉर सबमिटेड द फी, तो जिन्होंने ना ही 1200 रुपीज़ पे किया था ना ही 1000 रुपीज़ पे किए थे, उन बच्चों को भी स्पॉट राउंड में अलाउ किया गया था। तो स्पॉट राउंड की क्राइटेरिया क्या थी, स्पॉट राउंड की क्राइटेरिया बहुत सारी थी, ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं वो बच्चे स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते थे, ठीक है। तो जिन बच्चों को कॉलेज मिले, एडमिशन भी ले लिया, वो बच्चे भी अलाउड थे, जिन्हें कोई कॉलेज नहीं मिला वो बच्चे भी अलाउड थे, तो स्पॉट राउंड का एक पूरा पूरा क्राइटेरिया आया था। उसके बाद मैक्सिमम सीट्स वैकेंसी की डिटेल आई थी और बहुत सारे बच्चों जिन्होंने पार्टिसिपेट किया स्पॉट राउंड में उनको हाई हाई रैंक पे भी अलॉटमेंट देखने को मिला, ठीक है। तो पहले वो दिखा देते हैं आपको, तो वो सारी चीज़ें के ऊपर बात कर लेते हैं। तो मैं दिखा देता हूँ, ये एक्सेल फॉर्मेट में हमने स्पॉट राउंड की वैकेंसी यहाँ पे दिखाई हुई है, तो आप देख सकते हो कुछ टॉप कॉलेज को मैं दिखाता हूँ, वैसे ओवरऑल बता देता हूँ कि ओवरऑल वैकेंसी टोटल कितनी आई थी 2021 के अंदर। तो अगर हम ओवरऑल वैकेंसी के ऊपर गई बात करें, 2021 के ऊपर बात करें, फॉर्मेटिंग डाटा के ऊपर बात करें, तो आप देख सकते हो टोटल 1826 सीटें यार स्पॉट राउंड में खाली हो गई थी। तो 1826 यार बहुत बड़ा नंबर है ये, है ना, और उसमें भी मोस्टली टॉप कॉलेजेस भी पार्टिसिपेट कर रहे थे और स्पॉट राउंड में उनकी भी सीट्स खाली हुई थी। जैसे अखिलेश दास गुप्ता की बात कर लेते हैं, है ना, GTBT की बात कर लेते हैं, इनको सेलेक्ट कर लेते हैं, और महाराजा मैट की बात कर लेते हैं, सूरजमल की बात कर लेते हैं, और USICT की ऊपर बात कर लेते हैं, तो इन कॉलेज को सेलेक्ट करके पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो आप गुरु तेग बहादुर, GTBT, सब में सीटें खाली हैं, तो इन टॉप कॉलेज में भी 300-350 के ऊपर सीटें खाली हैं। अभी तो BPIT वगैरह मैंने सेलेक्ट नहीं किया, तो टोटल 1800 से ज़्यादा सीट वैकेंट हो गई थी, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो स्पॉट राउंड तक आप जा सकते हो, स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, वहाँ पे मैक्सिमम एडवांटेज ले सकते हो, तो पैरेलल में सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ये स्पॉट राउंड की वैकेंसी की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो, ऑफिशियल डाटा है जिसको हम शेयर कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे डिमोरलाइज हो रहे थे कि फर्दर प्रोसेस क्या होगा, तो इसके ऊपर एक कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाली पड़ी। अभी अगर आपको स्पॉट राउंड में जानना है कितनी राउंड तक कितनी रैंक तक अलॉटमेंट पॉसिबल हुआ है इन टॉप कॉलेज में, क्योंकि अब मैं दिखा दूँ यहाँ पे, तो आप देखोगे कि यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन
इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी USICT में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ड्यूअल डिग्री में 15 सीट खाली हो गई थी, ठीक है। वहीं पे कंप्यूटर साइंस ड्यूअल डिग्री में 28 सीट्स वैकेंट थी। तो यार सूरजमल की बात करें इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 4 सीटें खाली थी, है ना। तो इस तरह से ये देखो महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 23 सीटें खाली थी। तो यार सीट्स बहुत भारी नंबर में खाली हुई थी। अब रीजन यही था कि अलॉटमेंट क्यों नहीं देखने को मिला, और इसे आप कोरिलेट कर सकते हो कि सीट्स भी उतनी खाली हो जाएंगी स्पॉट राउंड के अंदर, तो वहां पे आपके चांसेस आप जा सकते हो। तो यही पूरा काउंसलिंग का फंडा भी है, ठीक है। इसको एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं। जब यह ब्लॉकिंग होती है, ठीक है, यहाँ पे ब्लॉकिंग होती है तो यहाँ पे ओपनिंग भी होती है। तो ये नॉर्मल राउंड्स में जितने प्रॉब्लम आपको हो रही है उतना ही स्पॉट राउंड में आपके लिए काम इजी हो जाएगा। तो वो बच्चे यार जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, कोई बात नहीं, आप स्पॉट राउंड में एलिजिबल होने वाले हो और मैक्सिमम एडवांटेज ले सकते हो। फर्दर अगर आपको हमारी हेल्प एंड गाइडेंस की नीड हुई आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। काउंसलिंग मिनी हमारा 799 में अवेलेबल है एंड काउंसलिंग लाइट 999 में अवेलेबल है, जिसमें हम कंप्लीट IPV काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग आपको देंगे, और सेकेंड राउंड में आप अपनी चॉइस फिलिंग बूस्ट कर सकते हो जिसमें मैक्सिमम चांसेस हैं आपको अच्छे अलॉटमेंट पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप फर्दर ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है गाइस। चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर दो, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस IPO से रिलेटेड आपको मिलने वाली है। अपडेट्स के ऊपर नहीं बात करेंगे, इन्फॉर्मेशन के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू सो मच।